हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए हम आज बात करते हैं जिसके बारे में सभी को काफ़ी कंफ्यूजन है। काफ़ी लोगों ने आपका भी जगह पे आप जाके जानकारी भी ले चुके होंगे। आप यहाँ पे आए हैं तो आपको एक ट्रस्टेड और काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी गहन विचार विमर्श करने के बाद, क्या सिचुएशंस हैं, कितने अपीयर हुए, का उस इन सभी को रेट करके आप हम आपको बताने वाले कट ऑफ एक्सपेक्टेड। जो कट ऑफ है वो भी स्टेट वाइज, क्योंकि आप ओवरऑल इंडिया की कट ऑफ के साथ आप अपने स्टेट को नहीं कर सकते रिलेट। तो हो सकता है, देखो हमने एनालाइज किया है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि होगा क्या, लेकिन ये एनालाइज इतने अच्छे से किया है कि इसमें से मैक्सिमम है 3 या 4 मार्क्स ही ज़्यादा है कम हो सकते हैं। तो हो हाँ मानता हूँ भाई, 3-4 मार्क्स में आपके सीट्स भी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जिसके 3-4 मार्क्स की वजह से भी हो रहा हो, यानी कि 3-4 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं स्टेट वाइज की जो जनरल कट ऑफ होगी, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे हम, कैटेगरी वाइज नहीं जाएंगे हम, उसी से हम आइडिया लगा लेंगे कि अभी जनरल में इतने होते हैं, ओबीसी में इतना होगा, ऐसे ऐसे कैटेगरी में इतने मार्क्स तक हो सकती है। तो हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी में कितने ही मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, इसमें आप 10 मार्क्स प्लस माइनस कर लीजिए, मैक्सिमम मान लेते हैं 10 मार्क्स, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यूपी में, जो यूपी की जो यूपी में काफ़ी कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, और अब इनकी काफ़ी पिछले 2-3 सालों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्ज़ाम का जो पैटर्न था उससे रिलेटेड हमने काफ़ी एनालाइज किया। जो हमने इसके डिसाइड किया, इसमें जो है 635 मार्क्स, 720 में से अगर आपके हैं तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट्स की बात करूँगा, प्राइवेट की बात नहीं करूँगा। अभी इसमें हम 5 मार्क्स ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि आपके 10 मार्क्स भी ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें आपके 45 भी हो सकते हैं, आपके 15 भी हो सकते हैं, 615 या फिर 645 या फिर 625 या 645 में भी आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। 615 गलत बोल गया मैं, 625 या 645, ठीक है। हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में ही पेपर लीक हुआ था, मैं जो राजस्थान और यूपी में ज़्यादा जगह नहीं फैल रहा था पेपर, तो वहाँ पे भी कट ऑफ है। हमने सोची है कि इसके आसपास ही रहेगी, यूपी के पास 630 प्लस माइनस 10 आप कर लीजिए, इतने में उसमें मार्क्स के कट ऑफ रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश इनमें एरिया के मुताबिक इतना है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस के हिसाब से और जो बच्चों की जो पीछे जो रैंकिंग रहे हैं, स्टेट टॉपर्स रहे हैं, और जो भी कंडीशन अभी कोरोना के द्वारा कुछ हमारे बच्चों से बात हुई है और जिनके जितने उनके मार्क्स उन्होंने बताए हैं, तो 610 मार्क्स कम रखते हैं प्लस माइनस, जितने उसमें एमबीबीएस सीट आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट सीट्स में। फिर हम बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में काफ़ी टॉपर्स, मतलब काफ़ी बच्चे वहाँ पे कोचिंग के लिए जाते, राजस्थान में भी हैं और वहाँ पे इसके बच्चे भी जिनको प्रेफरेंस भी मिलती है दिल्ली वालों को। तो अब इसकी जो कट ऑफ है डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने पिछले स्टेट्स की और कुछ प्रेडिक्शंस, जो हमारे जो टीचर्स हैं जो वहाँ पे दिल्ली में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, और उनसे हमारी बात हुई, बच्चों से बात हुई, तो उसकी जो कट ऑफ हमने जो डिसाइड की है कि इतनी एक्सपेक्टेड हो सकती है, 630 मार्क्स है, जो प्लस माइनस 10 आप करते रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन है हमारी कि 630 मार्क्स में आपको एक एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र भी एक काफ़ी बड़ा स्टेट है, उसमें भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और उसमें भी काफ़ी बच्चों का कॉम्पिटिशन रहता है, आप सभी जानते हैं, और इसमें जो मार्क्स की डिसाइड करना इसमें भी काफ़ी डिफिकल्ट था। तो इसमें है क्योंकि बीच में वहाँ पे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल गई थी, स्टडी से रिलेटेड भी हुई थी, और आप जो है मास्टर का तो आपको पता ही होगा, 625 मार्क्स हमने रखे हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस महाराष्ट्र की 625 होगी, हो सकती है। फिर बात करते हैं बिहार में। बिहार में एमपी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी 620 मार्क्स होंगे जो आपके गवर्नमेंट सीट दिला सकते हैं। अगर आपके 620 मार्क्स हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप डालिए आपके मार्क्स इतने, हम आपको बताएंगे आपके स्टेट में कौन सा कॉलेज या फिर आपको सीट्स मिल भी सकती है या नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स डालिए। फिर बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में भी काफ़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसलिए उसकी कट ऑफ क्या है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा, कॉलेजेस भी की संख्या ज़्यादा है, तो 590 मार्क्स प्लस माइनस 10 आपको गवर्नमेंट सीट्स आपको दिला देंगे। फिर बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में का कॉलेजेस की संख्या कर्नाटक तमिलनाडु के मुकाबले कम है, काफ़ी कम है, लेकिन इसके जो कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि बच्चे कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, कॉलेजेस कम है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी। तो ये है 600 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में क्या है, बच्चे भी कम होते हैं और काफ़ी कॉलेजेस भी कम हैं, तो अप्लाई करने में इसमें काफ़ी कम जाती है कट ऑफ, वो है 530
प्लस माइनस 10 अगर आपके हैं तो आपको, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं जम्मू में, जम्मू में कॉलेजेस 7 और 1 प्राइवेट है। तो अब इसमें जो सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग और जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 510 मार्क्स हैं जिसमें आपको एक गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। ये थी स्टेट वाइज कुछ स्टेट्स की आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो भी बच्चों ने हमें कहा कि हमें इस स्टेट के बताया, हम उसकी लिस्ट बना चुके हैं। आप भी अगर आपके स्टेट का हमने कवर नहीं है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट डालिए, हम आपको बताएंगे कि आपके स्टेट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो जल्दी से आइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना इशू लिखिए, हमारी टीम आपके इशू की वेट करिए, कब आप हमें इशू बताएंगे और हम आपका सोल्यूशन बताएंगे, तो हमारी टीम आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेगी। और नीट से रिलेटेड किसी भी जानकारी को अपडेटेड रहने के लिए, जो आपको कोई बहकाए नहीं इधर उधर की कोई बात नहीं, साफ सटीक बात होगी। जैसे कि एग्जाम से जस्ट कुछ टाइम पहले प्रेडिक्शंस चल रही थी कि नीट पोस्टपोन हो गया, नीट लीक हो चुका है, नीट का पेपर लीक हो चुका है, नीट दोबारा होगा, बच्चे इसी में थे। हमने आपको बताया था कि नीट अगर होगा पोस्टपोन तो भी एग्जाम के बाद ही होगा, तो अपना एग्जाम दीजिए, टाइम वेस्ट मत किया। काफ़ी बच्चे हमें फ़ोन कर रहे थे बार बार कि सर बताइए, मैं आप बता देता हूँ, मैंने उस टाइम आपको एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपका ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया था क्योंकि उस टाइम आपका एग्जाम था और आपको तो उस टाइम फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, आपको अपडेटेड रहने के लिए, आपके घर वाले, आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने उस टाइम बताया था कि आपका अगर नीट पोस्टपोन होगा तो भी एग्जाम के बाद ही आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वही हुआ, एग्जाम होने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली। फिर बच्चों ने कहा कि सर नीट पोस्टपोन हो गया उसके ऊपर प्लीज वीडियो बनाइए, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई कि चांसेस बहुत कम है कि नीट पोस्टपोन होगा। तो अभी भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन, वो भी अभी वीडियोस देखते रहते इधर उधर, बता देता हूँ नीट पोस्टपोन नहीं होगा। आप काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है प्रिपरेशन करिए, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, 17-18 डॉक्यूमेंट्स हैं, 17 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए एग्जैक्ट, तो आप उन डॉक्यूमेंट जब वीडियो जाइए, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, जिस कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने में टाइम लगता है डॉक्यूमेंट बनवाइए और काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आपको डॉक्टर बना और आप डॉक्टर बनेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेस्ट ऑफ लक।